एसएसबी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्कूली बच्चों में खेल सामग्री का वितरण। सोमवार को एसएसबी 48वीं बटालियन मधवापुर बीओपी के तत्वाधान में मुख्यालय स्थित एसएलजे प्लस टू विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र छात्राओं के बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल नेट सहित विभिन्न प्रकार की खेल सामग्रियां प्रदान की गई। वहीं अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करें विषय पर छात्र छात्राओं के बीच निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बालक व बालिका वर्ग से सर्वश्रेष्ठ तीन तीन रचनाओं को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिसमें बालक वर्ग से आयुष कुमार प्रथम, मोहम्मद तौफीक सफी द्वितीय व राजकुमार तृतीय स्थान पर, जबकि बालिका वर्ग से वर्षा कुमारी प्रथम, स्नेहा कुमारी द्वितीय व सबरीन खातून तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में समाजसेवी राकेश नायक सहित अन्य विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को सामाजिक जागरूकता में योगदान देने, अपने आसपास स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जरूरी टिप्स दिए गए। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा कुमारी। आप जो निबंध प्रतियोगिता में आपको प्रथम पुरस्कार मिला है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस कहानी से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपनी देश की सुरक्षा विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि देश की सुरक्षा करने के लिए तलवार उठाना ही नहीं होता है, हम स्वयं भी कर सकते हैं, और इसके लिए हम सामाजिक आर्थिक विभिन्न तरीकों से अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। क्या नाम है बहू आपका? गौरी कुमारी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम अपने देश की सुरक्षा इस प्रकार कर सकते, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेना ही करेंगे, हम भी कर सकते हैं। जैसे कि आसपास के स्वच्छ बिहार मिशन जो गांधी जी चलाए थे, उसके हम भी कर सकते हैं, उससे हमारे समाज में गंदगी नहीं फैलेगी और एकता बनाए रखना, एकता में ही बल होता है, एकता से हम बहुत बल हो सकता है जिसमें दूसरा देश हमको आक्रमण नहीं कर सकता है। तो आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं हमें होना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग खुद की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। देश की सुरक्षा हम हथियार से नहीं, अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। अपने देश की सुरक्षा अनेक तरीकों से कर सकते हैं, जैसे किसान फसल उगाते हैं, उस अन्न उगाते हैं, हम अपने पेट की रक्षा करते हैं, वैसे ही देश की रक्षा कर सकते हैं अनेक तरीकों से हम अपने देश। तरीके क्या है वो ये बताइए ना, क्या तरीका है जिससे आप रक्षा कर सकते हैं? किसानी, फौज में जा करके अपनी शिक्षा ग्रहण करके हम अनेक मतलब बहुत अच्छे अच्छे पद हासिल कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। स्कूल के बच्चे बच्चियों को भी आगे बढ़ाने के लिए एसएसबी के द्वारा वॉलीबॉल, फुटबॉल, मैट, इसके अलावा आपको बात करें किट, क्रिकेट का दिए गए हैं। और मुझे खुशी हुई है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे मधुपुर के बढ़े, और एक समाजसेवी होने के नाते कि लोग कैसे बढ़े, जिसके लिए एसएसबी खुद आगे बढ़ के आ रही है, विभिन्न संस्था भी आ रहे हैं, तो हमें काफ़ी उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर। और एसएसबी से आज देखा, कई बार हम कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, हमेशा से जुड़े रहते हैं, तो हमें खुशी होती रहती है कि ऐसे कार्यक्रम होता रहे और आए दिन भी ऐसा कार्यक्रम हमें आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी देते हुए एसएसबी के इंस्पेक्टर करनाल चंद ने बताया, ये कार्यक्रम हमने रखा हुआ था, सपोर्ट्स आइटम बच्चों को बांटनी थी, आज भी हमने ये वितरित किया है, और कल भी यहाँ जो कॉलेज के बच्चे थे वो मधवापुर अपने कैंप में बुला करके उनको वितरित किया था। साथ ही इसके अलावा हमने कुछ हथियारों का ये प्रदर्शन किया था और उसके बारे में भी इनको जो है काफी बताया। मौके पर एसएसबी के इंस्पेक्टर करनाल चंद, एएसआई डोमर बागरा, मणिकांत मंडल, शिक्षक गजेंद्र झा, डॉक्टर आलम, नीलू कुमारी, विभास झा सहित दर्जनों छात्र छात्राएं वो एसएसबी जवान मौजूद थे।